दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों आज के मैच के बारे में आइए हम आपको जानकारी देते हैं। आज भारत और इंग्लैंड के बीच में T20 मुकाबला खेला गया। इस मैच की अगर बात करें तो दोस्तों आज के मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 170 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। निर्धारित 20 ओवरों में भारत की तरफ से जो रन बनाने का सिलसिला था उसमें रोहित शर्मा ने 20 गेंदों में 31 रन, ऋषभ पंत ने 15 गेंदों में 26 रन, विराट कोहली ने 3 गेंदों में 1 रन और पांड्या की अगर बात करें तो पांड्या ने 15 गेंदों में 12 रन बनाए, एक शानदार चौका भी लगाया था। रविंद्र जडेजा आज बहुत ही बढ़िया बैटिंग किए और 29 गेंदों में 46 रन जिनमें 5 चौके भी शामिल रहे। दिनेश कार्तिक 17 गेंदों में 12 रन, अक्षर पटेल 6 गेंदों में 13 रन और बुमराह की बात करें तो इन्होंने खाता नहीं खोला। भुवनेश्वर कुमार ने 4 गेंदों में 2 रन अतिरिक्त के रूप में मिले 12 रन। कुल मिलाकर के भारतीय टीम ने 170 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 20 ओवरों में। दोस्तों जो विकेट गिरने का सिलसिला था 49 पर पहला विकेट रोहित शर्मा आउट हुए 4.5 ओवर में, 61 पर विराट कोहली, 61 पर ही ऋषभ पंत आउट हुए। 79 के स्कोर पर चौथा विकेट गिरा और 89 के स्कोर पर पांडे आउट हुए, 122 पर दिनेश कार्तिक आउट हुए। दोस्तों अब आइए बात करते हैं और हम आपको बताते हैं इंग्लैंड की तरफ से की गई बैटिंग के बारे में। 171 रन के पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम ने जेसन रॉय और जेस बटलर को मैदान में उतारा। जेसन रॉय ने खाता भी नहीं खोला और भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर कैच थमा बैठे रोहित शर्मा को आए। उसके बाद खेलने के लिए मालन जिन्होंने 25 गेंदों में 19 रन, जॉस बटलर ने 5 गेंदों में 4 रन, लिंगेस्टन ने 9 गेंदों में 15 रन, ब्रूक ने 9 गेंदों में 8 रन, मोइन अली ने 21 गेंदों में 35 रन, कुरन ने 4 गेंदों में 2 रन, बिली ने 22 गेंदों में 33 रन, जार्डन ने 1 गेंदों में 1 रन, ग्लीसन ने 3 गेंद में 2 रन इस प्रकार से रन बनाए। तो दोस्तों ये था मैच का सिलसिला और इसी प्रकार से आज का ये मैच खेला गया जिसमें भारत ने आज फिर से 49 रन से इस मैच को जीत लिया और 3-2 की बढ़त लेकर के इंडिया की टीम आगे चल रही है। तो इस मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम ऐसे ही जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार, आप सभी तमाम दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों आज के मैच के बारे में आइए हम आपको जानकारी देते हैं। आज भारत और इंग्लैंड के बीच में T20 मुकाबला खेला गया। इस मैच की अगर बात करें तो दोस्तों आज के मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 170 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। निर्धारित 20 ओवरों में भारत की तरफ से जो रन बनाने का सिलसिला था उसमें रोहित शर्मा ने 20 गेंदों में 31 रन, ऋषभ पंत ने 15 गेंदों में 26 रन, विराट कोहली ने 3 गेंदों में 1 रन और पांड्या की अगर बात करें तो पांड्या ने 15 गेंदों में 12 रन बनाए, एक शानदार चौका भी लगाया था। रविंद्र जडेजा आज बहुत ही बढ़िया बैटिंग किए और 29 गेंदों में 46 रन जिनमें 5 चौके भी शामिल रहे। दिनेश कार्तिक 17 गेंदों में 12 रन, अक्षर पटेल 6 गेंदों में 13 रन और बुमराह की बात करें तो इन्होंने खाता नहीं खोला। भुवनेश्वर कुमार ने 4 गेंदों में 2 रन अतिरिक्त के रूप में मिले 12 रन। कुल मिलाकर के भारतीय टीम ने 170 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर। निर्धारित 20 ओवरों में दोस्तों जो विकेट गिरने का सिलसिला था 49 पर पहला विकेट रोहित शर्मा आउट हुए 4.5 ओवर में, 61 पर विराट कोहली, 61 पर ही ऋषभ पंत आउट हुए। 79 के स्कोर पर चौथा विकेट गिरा और 89 के स्कोर पर पांडे आउट हुए, 122 पर दिनेश कार्तिक आउट हुए। दोस्तों अब आइए बात करते हैं और हम आपको बताते हैं इंग्लैंड की तरफ